we should not waste time. My next panelist is none other than Chairman Pakistan PTI, Imran Khan Saab. Please give him a warm welcome before he addresses. शौकत तरीन, मैं आपको और सारे जो पैनलिस्ट हैं, पहले तो मैं सुन रहा था आपकी ये जो आज आपने सेमिनार में इकोनॉमी के ऊपर बातचीत की है, तो पहले तो मैं आप सबको जिस तरह आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की इकोनॉमी की, तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। देखिए, मैं जो इकोनॉमी के हालात हैं, पहले मैं आपको सबको रिमाइंड करवा दूं कि हम जब 2018 में आए थे तो हालात तब भी बहुत बुरे थे, और जो सबसे बड़ा मसला हमारे सामने था वो करंट अकाउंट डेफिसिट था, क्योंकि पाकिस्तान फंसता इधर आके है। हमने कभी अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर नहीं लगाया, हमारे सामने ईस्ट एशियन टाइगर्स बने, चाइना को हमने देखा पिछले 30 साल में आगे बढ़ते हुए, सारों ने बेसिकली वेल्थ क्रिएशन की एक्सपोर्ट्स बढ़ा के। यहां तो मैंने कभी किसी को अपनी, मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि जनाब सारे मुल्क को वेल्थ क्रिएशन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए सारे मुल्क को उस तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ेंगी तो ये जो मर्जी आप कर लें, जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी फंस जाएगा जाके करंट अकाउंट आपका, और वो फिर जब डेफिसिट होता है फिर वो सारा वो बूम बस्ट साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। तो हमारा तब बड़ा था, और मुझे याद है कि बड़ी मुश्किलों से हमने पहला एक साल सर्वाइव किया, और मुझे अभी भी याद है कि अगर हमें सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना हेल्प ना करते तो हमारे पास पैसे नहीं थे अपनी लाइबिलिटीज देने के लिए, तो वो बड़ा टाइमली उन्होंने हमारी मदद की। और उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा स्टेबलाइज हो रहे थे तो फिर कोविड-19 आ गई। तो कोरोना का मैं सिर्फ आप सबको कहना चाहता हूं कि वो भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस था दुनिया के अंदर। आप जब देख रहे हैं कि कैसे लोगों ने कोप किया है कोविड-19 से, तो जो हमारा उस वक्त था वो हमारा एक बहुत ही बड़ा डायलेमा था सामने, कि अगर हम लॉकडाउन लगा देते, जो उस वक्त मेरे ऊपर सारी दुनिया से, यानी मुल्क से प्रेशर था, लेकिन सारी दुनिया में देख रहे थे कि इटली, स्पेन और फिर इंग्लैंड के ऊपर लॉकडाउन लग रहे थे, तो मुझे सारे जोर लगा रहे थे कि जी आप भी लॉकडाउन लगाएं, और बड़ी तनकीद हुई मेरे पे। लेकिन मेरा तो बेसिक सवाल यह था कि पहले हमारी इकॉनमी हमने एक साल स्टेबलाइज करते करते उसको बिल्कुल स्क्वीज कर दिया था, हमारी ग्रोथ रेट बिल्कुल गिर चुकी थी, तो उसके बाद हम कोविड में अगर शटडाउन कर देते अपनी इकॉनमी तो यहां तो लोगों ने भूखे मर जाना था। और प्लस कभी भी किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया, मैं सबसे पूछता था कि दिहाड़ीदार का क्या बनेगा जो पैसा कमा के बच्चों को खिलाता है, तो किसी के पास जवाब नहीं था इसका। एनीवे, वहां हमने बड़े बोल्ड फैसले किए, और मुझे बड़ा फख्र अपनी सारी टीम पे कि हमने बड़े इनोवेटिव किस्म के फैसले किए। मैंने खुद फिर वो जो आईएमएफ की हेड थी उनको मैंने खुद टेलीफोन करके बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया कि हमें जो आईएमएफ का प्रोग्राम है उससे हमें आपको थोड़ी लीवे देनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे यहां लोग भूखे मर जाएंगे। और उससे फिर कन्विंस करके हमने अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर पूरी खासतौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए फिर हमने उनसे खास रियायत ली, इंसेंटिव्स लिए, और हमने हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी उसके अंदर जो ग्रोथ हुई उसे एक्चुअली रोजगार भी बचा दिया लोगों का, और हमारी जो जो ग्रोथ रेट थी उसको भी आहिस्ता आहिस्ता पिक करना शुरू किया। और जो तीसरा और चौथा साल था उसके अंदर डिस्पाइट कोविड हमारी जो मेंशन किया होगा 5.7% ग्रोथ रेट थी, और जो आखिरी साल में 6% थी। तो हम एक बड़े यानी डबल क्राइसिस से निकले थे, एक तो पहले ही हमारा जो मैसिव करंट अकाउंट डेफिसिट था, और दूसरा कोविड का जो मसले आए।
अब क्वेश्चन सबसे पहले तो ये जरूर पूछना चाहिए कि उधर से जब ये रिजीम चेंज की गई तो मुझे अभी भी समझ नहीं आई कि जो रिजीम चेंज करने वाले थे क्या उन्होंने ही रियलाइज किया कि सारी दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल आया हुआ था, एनर्जी प्राइसेस सारी दुनिया में ऊपर चले गए थे, और क्या उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि हम बड़ा एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहे थे पाकिस्तान में। हर रोज हम मैं जब ऑफिस जाता था तो सबसे पहले हमारी होती थी कि हमारे हमारे रिजर्व्स का क्या हालात है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, यानी खौफ ही होता था कि हम अपने उसको करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करें क्योंकि तेल की कीमत $100 से ऊपर चली गई थी। लेकिन जिन्होंने जब ये हमें पता चला कि साजिश हो रही है तो मैंने खुद और फिर मैंने शौकत तरीन को भेजा बताने के लिए न्यूट्रल्स को कि देखें अगर आप जो वाकई कह रहे हैं आप न्यूट्रल रहेंगे और इस साजिश में तो ये कंट्रोल नहीं होगी इकोनॉमी किसी से, ये इसका जो इंपैक्ट पड़ेगा पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन का तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी इकोनॉमी पर पड़ेगा और वो आगे फ्रेजाइल किस्म का बैलेंस है और सारी दुनिया में इश्यूज हैं। तो ये जो इकोनॉमिक मैनेजर्स जो जिनको हमारी जगह लाया जा रहा है इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड 30 साल का है, वो कौन सा गोल्डन एरा था जब इन्होंने कोई इकोनॉमी को बड़ा अच्छा संभाला था? क्योंकि 90s के अंदर डॉक्टर इशरत हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि 90s से पहले पाकिस्तान तो सारे सबकॉन्टिनेंट में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाकिस्तान के बेहतर थे, 90s में हम पीछे जाना शुरू हुए जब से ये दो खानदान आए हैं। तो इनका कौन सा ट्रैक रिकॉर्ड था कि इन्होंने किस मुल्क को इकोनॉमी को संभाला था कि इनको फिर लाया जा रहा था? और वही जो आज हुआ, आज जो हुआ ये होना ही था। और मैंने इससे 5-6 महीने पहले मैंने यही प्रेडिक्ट किया था कि ये जो गवर्नमेंट आई है इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाना है। और मेरे ऊपर उन्होंने कहा जी आर्टिकल 6 लगा देना चाहिए, गद्दार है ये मुल्क का। तो आज अब जिधर हम खड़े हैं क्वेश्चन तो अब ये है कि इसे निकलना कैसे है। नंबर 1 चीज, जब तक इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी कोई भी आप जीनियस ले आए इकॉनमी का वो आप कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो इकॉनमी है इकॉनमी डायरेक्टली सारी दुनिया के अंदर वो डिमांड करती है सर्टेनिटी। जब तक सर्टेनिटी नहीं होती बिजनेसेस, हम सब जानते हैं और आप तो खैर मेरे से बेहतर जानते हैं इकॉनमी जहां बैठे हुए हैं, तो वो जब तक एक इकॉनमी के अंदर लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मैं आज अगर पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो आगे अगले 6 महीने 1 साल 2 साल तक माहौल क्या होगा मुल्क का, लोग इन्वेस्ट नहीं करते। तो आज जिधर हम खड़े हैं ये कौन आज प्रिडिक्ट कर सकता है कि 1 महीने के बाद क्या होगा पाकिस्तान में? किसी को भी नहीं पता। इसीलिए सारे जो बाहर की भी बिजनेस जो फाइनेंस कम्युनिटी है वो भी उसका रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो ये जो CDS पाकिस्तान का पहुंच गया 122 पे, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो अब नहीं फील करते कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अपनी लाइबिलिटीज बीट कर सकती है। अंदर पहली गैलप की सर्वे है कि 88% बिजनेसमैन कहते हैं कि जो पाकिस्तान का डायरेक्शन है इकोनॉमी का ये गवर्नमेंट का वो गलत तरफ है, यानी उनका भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस तो रिस्टोर करने में सिर्फ एक चीज है और वो इलेक्शंस करवाना। और ये अब से नहीं, ये जब से हमारी गवर्नमेंट गई है मैं तब से लगा हुआ कहने कि आप जब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने लगी। और ये हमें कहना, सारे कह रहे हैं जी कि ये जो आप सारी मूवमेंट कर रहे हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं ये कोई वापस पावर आने के लिए कर रहे हैं, पावर में तो हमने आना ही है इंशाल्लाह, वो तो आप जो हालात ये गवर्नमेंट ने कर दिया है हमें तो इलेक्शन कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं है। जो इस वक्त मुल्क का हाल है और जो इकोनॉमी का हाल है, जो महंगाई का हाल है, और जो आज बिजनेस कम्युनिटी जो शायद समझती थी कि ये कुछ कर देंगे, वो सबको अब ये मुत्तफिक है कि गवर्नमेंट तो अब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन और जितनी देर चलता जाएगा हमारी पार्टी गेन कर रही है और वो वाजे है, चाहे बाय इलेक्शंस हो चाहे ओपिनियन पोल्स हो। लेकिन मुझे जो खौफ आ रहा है कि ये पाकिस्तान को उधर ले जाएंगे जिधर ये सबके हाथ से बाहर निकल जाएगा, यानी
ये उस उधर ना पहुंच जाए कि हमें उतनी पीछे धकेल दें कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो फिर ये सिचुएशन को कंट्रोल करना। तो मेरी नंबर वन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और ये जितनी जल्दी हो सके ये हमारी रिवाइवल की बिगिनिंग वो होगी, यानी हम फिर से शुरू करेंगे अपने मुल्क को उठाने के लिए। वो होगा ही तब जब कि एक गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट आए अच्छी अक्सरियत से। मुझे अगर किसी ने पूछा कि जी आप अगर फिर से आपको मौका मिल दिया 2018 में तो आप क्या करेंगे, तो विद हाइंडसाइट मैं कभी गवर्नमेंट ना लेता, क्योंकि एक तरफ इकोनॉमिक चैलेंजेस बड़े थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो कमजोर गवर्नमेंट के साथ तो ये आप कर ही नहीं सकते, रूल ऑफ लॉ ही नहीं एस्टैब्लिश कर सकते। आप ये इकोनॉमिक चैलेंजेस फाइट कर ही नहीं सकते जब तक आपकी स्टेबल गवर्नमेंट ना हो। प्रेसिडेंशियल सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसमें स्टेबिलिटी है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसके अंदर कोलिशन गवर्नमेंट विद अ थिन माइनॉरिटी मेजॉरिटी, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि बड़े चैलेंजेस को कोप करने के लिए। तो मैं अगर फिर से होता मैं फिर इलेक्शन करवा देता, मैं कभी गवर्नमेंट ना लेता। तो मैं अब समझता हूं कि एक गवर्नमेंट आए विद अ क्लियर मेजॉरिटी और वो फिर सबसे पहले रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करे। मैं एक इकॉनमी की अब बात कर रहा हूं, इकॉनमी जो है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी के मसाइल हैं वो रिलेटेड है रूल ऑफ लॉ से। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होता आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं हो सकती। ये जो माफियाज बैठे हुए हैं पाकिस्तान में हर जगह, मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, माफियाज हैं। मैं FBR के अंदर शुरू में हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते थे, हम कोशिश करते रहे कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं। आप यकीन करें कि एक साल तक हर वक्त वो सेबोटाइज हो जाता था अंदर से, अंदर लोग बैठे हुए थे जो नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि प्रेजेंट सिस्टम से इतना ज्यादा उसमें पिल्फरेज है, वो टेक्नोलॉजी नहीं आने देते थे। जब एंड में मुझे अफसोस यह है कि जब हम फाइनली हमने ये ब्रेक डाउन करके और हम पहुंच गए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पे, ये जो सेल्स टैक्स की इवेजन है वो बिलियंस और बिलियंस में है, वो हमने जब टेक्नोलॉजी वो ले आए, और दूसरा फिर हमने ये डेटाबेस नादरा के डेटाबेस से टैली करके, शौकत तरी ने पता नहीं मेंशन किया या नहीं, हमने आइडेंटिफाई किए टैक्स पेयर्स जो के अच्छे लाइफस्टाइल उनका था लेकिन जीरो टैक्स देते थे, वो हमने बेस बढ़ाने के लिए उधर हम पहुंचे, तो अनफॉर्चुनेटली तब हमारी गवर्नमेंट गिरा दी गई। तो नंबर वन चीज है कि पाकिस्तान में एक ताकतवर गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करे। ये जो माफियाज है हर जगह, शुगर माफिया है, ये सीमेंट है, सबसे बड़ा माफिया रियल एस्टेट माफिया, आप सोच नहीं सकते कि इनकी अब इस वक्त पावर क्या है। और अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि अभी जो रिसेंटली हुआ है, हमने एक LDA वाले आया मेरे पास, उन्होंने उसके DG ने मुझे बताया कि 200 अरब रुपए की जमीन बेच दी गई है, या वो दरिया के अंदर थी, रिवर बेड में थी, या वो इरिगेशन की और या फॉरेस्ट की जमीन, और वो बेच के प्लॉट्स बेच के पैसा भी बाहर चला गया। और तो मैंने उनसे पूछा तुमने क्यों नहीं एक्शन क्यों नहीं लिया, उन्होंने कहा मल्टीपल FIRs काटी, पुलिस को पैसा खिलाया हुआ था, पुलिस नहीं वो उसको अप्रोच करती थी, उन्होंने जब लोग अपने भेजे उन्होंने बकायदा मारा उनके लोगों को और उल्टी उनके ऊपर FIR काट दी। उन्होंने जो भी डिपार्टमेंट जाती थी नीचे से पैसे, इतना पैसा है इसमें, तो आप ये सोच लें कि यह हर लेवल पर चल रहा है। और आप इमेजिन करें पैसा कितना है पाकिस्तान में, कि ये हर, जब मैंने CDF बड़ी मुश्किलों से हमने कैडेस्ट्रल मैपिंग करवाई, वो भी देर लगी, डिले करते रहे, तो जब हमने वो मैपिंग करवाई यानी डिजिटलाइजेशन की, हमने लैंड रिकॉर्ड्स की, तो सिर्फ इस्लामाबाद में 1200 अरब रुपए की जमीन के ऊपर कब्जा हुआ है, गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर, और यह सारे पाकिस्तान में ऐसा ही है। सो ये जब तक एक स्टेट के पास पावर हो टू इंप्लीमेंट, के स्टेट की रेट हो और वो होगी एक ताकतवर गवर्नमेंट से, तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इससे हम टैक्स कलेक्शन अपनी बड़ी एनहांस कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ये जो
ये जो बड़े पावरफुल लोग हैं इनको टैक्स करके। और फिर सेकेंडली एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और मुझे फखर था कि हमने जोर लगा के मीटिंग्स करके एक्सपोर्टर्स से मिलके रुकावटें उनकी हटाते गए, क्योंकि हर जगह एक्सपोर्टर्स के लिए रुकावटें थी। तो मैंने रियलाइज किया हमारा माइंडसेट ही नहीं है इस चीज के ऊपर। यानी कई मैं आपको मिसालें दे सकता हूं कि जिधर एक्सपोर्टर मुल्क को बेनिफिट पहुंचा रहा है, डॉलर्स लेके आ रहा है, लेकिन उसके लिए हर किस्म का जो हमारा सिस्टम है रुकावटें पैदा की हुई थी। तो जो एक माइंडसेट अब चेंज करने की बात है कि सारे मुल्क को हमने लगाना है कि हम डॉलर कैसे ज्यादा मुल्क में आ सकते हैं। हमने रेमिटेंसेस बढ़ाई, हमने कैसे हमने इंसेंटिवाइज किया अपनी ओवरसीज पाकिस्तानीज को, उन्होंने चैनल बैंक चैनल से पैसे भेजे तो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भी आई। लेकिन इससे बहुत कुछ और हो सकता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि जब रूल ऑफ लॉ हो तो हमें इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से। मेरी कंटेंशन यह है कि 10 बिलियन बैरून पाकिस्तानी है, अगर हम इनमें से 20 लाख को भी 15 लाख को भी अगर हम उनको इन्वेस्टमेंट के लिए ले आए पाकिस्तान में, तो वो हमें मेरे ख्याल में वो इतना ज्यादा पैसा ला सकते हैं कि हमें जरूरत नहीं है किसी से पैसे लेने के लिए। लेकिन उनका और अब ओवरसीज पाकिस्तानी से पूछे, क्योंकि मेरा उनसे इंटरेक्शन है, उन्होंने मुझे शौकत थाना में मदद की, नमल यूनिवर्सिटी में 30 साल से मेरा इंटरेक्शन है, पीटीआई में जिसको ये फॉरेन फंडिंग कहते हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमें फंड किया। आप इनसे पूछें कि क्यों नहीं इन्वेस्ट करते पाकिस्तान में, दुबई में चले जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, यही पाकिस्तानीज आप देखेंगे मलेशिया भी इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान नहीं आते। एक वजह है किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट पे, उनको ये खौफ है कि उनके साथ कोई फ्रॉड होगा, और होते हैं, जमीन पे उनके कब्जे हो जाते हैं, प्लॉट्स पे कब्जे हो जाते हैं। तो अगर आपने कोई कारोबार शुरू करना है उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि यहां उनको प्रोटेक्शन मिलेगी पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम से। सो मैं अगर आपको सारा सबब कर दूं एंड में कि देखें जो जिधर ये लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो भी अब गवर्नमेंट आएगी उसको वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो हमने आज तक लिए नहीं है। वो उसका बेसिस होगा कि हमने कानून के नीचे कानून की बालादस्ती कायम करनी है, और ये नंबर वन चीज होगी जो, और ये आसान नहीं होगा क्योंकि जो ताकतवर है वो आराम से कानून के नीचे नहीं आता। लेकिन अगर हमने ये शुरू कर दिया तो जैसे जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस होता रहेगा पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में, तो यहां इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि 22 करोड़ लोग एक बहुत बड़ी मार्केट होती है। ये मुझे सीमेंस का मुझे चेयरमैन मिला उधर डेवोस में, तो वो मेरे से पूछ रहा था कि क्यों नहीं सारे इस वक्त सारी दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान में होने चाहिए। आपका 22 करोड़ की आपकी आबादी है, लेकिन आप उसको जब आप आगे बढ़ेंगे तो इवेंचुअली वो आ जाएगा कि उनको पाकिस्तान के सिस्टम में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक हमें स्टेबिलिटी चाहिए, एक गवर्नमेंट आए जो कि 5 साल के लिए आए और स्टेबल गवर्नमेंट हो, उसके बाद वो इन्फोर्स करे रूल ऑफ लॉ, जिसके अंदर बिजनेस की प्रोटेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, इसके लिए अगर आप स्पेशल कोर्ट्स भी बनाने पड़े। लेकिन जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो भी इन्वेस्ट करता है हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, उनको स्पेशल इंसेंटिवाइज करें। जो भी आगे से अगर कभी जो मेरे से एक गलती हुई वो एंड में हमने करने की कोशिश, मुझे शुरू में करना चाहिए था कि आगे से जो भी हम अब एमनेस्टी कभी दें तो एमनेस्टी सिर्फ एक होनी चाहिए कि जो भी अपना पैसा इंडस्ट्री में लगाएगा उसी का सिर्फ वो ब्लैक का पैसा वाइट कर सकता है। यानी हम सारा डायरेक्शन अपने मुल्क का वेल्थ क्रिएशन में लगाएं, इंडस्ट्री में लगाएं, बिजनेसेस की रुकावटें जो हम दूर कर रहे थे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए, हमने खास तौर पे एंड में मैं मीटिंग्स देता था, उनकी गिलोटीन करते थे जो डिफरेंट रेगुलेशन है जो उनको उनके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफा कर देते थे। और मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि देखिए मेरा जितना भी ये 3.5 साल में मैंने देखा कि इतना ज्यादा पोटेंशियल है यहां। नंबर वन टूरिज्म, जितना टूरिज्म के अंदर, क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली कोविड के 2 साल आ गए जिसमें दुनिया में टूरिज्म इफेक्ट हुई, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि पाकिस्तान में ऐसी ऐसी जगह हैं
और हमने एक पूरा प्लान भी किया हुआ है एक स्कर्दू के अंदर एक जगह कि पूरी रिजॉर्ट बने, क्योंकि वो ऐसी ऐसी जगह हमारी, ऑस्ट्रिया से मेरे पास टूरिज्म के लोग आए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कुड बिकम द नेक्स्ट स्कीइंग सेंटर इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग से बर्फें पिघलती हैं जल्दी यूरोप के अंदर, तो पाकिस्तान की हाइट्स इतनी ज्यादा। सो टूरिज्म एक है, हर किस्म की रिलीजियस टूरिज्म है, वो सारा हमारा जो कोस्ट लाइन है वो सारी वर्जन टेरिटरी है, और माउंटेन टूरिज्म, और तीसरी चीज कि पाकिस्तान के अंदर जो हमने कभी जोर नहीं लगाया कनेक्टिविटी का, वो हम एंड में कोशिश कर रहे थे। सारा सेंट्रल एशिया इस वक्त पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान में अगर स्टेबिलिटी जो अब आ रही है, तो हमारे लिए वो सारा एक एरिया, वो भी वर्जन टेरिटरी है, उसके अंदर भी इतना ज्यादा पोटेंशियल है जो हमने एंड में जाके कोशिश की थी एक्सप्लोर करने की। और आखिर में ये जो हमारा इस वक्त क्राइसिस है ये एनर्जी का, मैं फर्म बिलीवर हूं कि हमें आते साथ ही हमें रशियन ऑयल लेना चाहिए था। हमने उनसे बात कर ली थी कि अप्रैल के अंदर हमने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया था डिस्काउंटेड रेट पे, जो हिंदुस्तान कर रहा था। और ये इतने खौफजदा होते हैं अमेरिकन से, ये रियलाइज नहीं करते कि इंडिया हमारे सामने, इंडिया ने स्टैंड लिया, उन्होंने पूरी जोर लगाया कि इंडिया रूस का तेल ना ले। आपके सामने है वो जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कितनी अपने मुल्क के लिए वो खड़ा हुआ, यानी वो, और वो अमेरिकन अंडरस्टैंड करते हैं ये चीज। हमारा इस वक्त तकरीबन 10 करोड़ लोग हैं जो वनरेबल हैं, 5 करोड़ लोग हमारी गुर्बत से लकीर से नीचे हैं, 5 करोड़ लोग ऊपर इतने हैं कि अगर प्राइस शॉक आता है वो नीचे चले जाते हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये जो एनर्जी ड्रिवन इन्फ्लेशन है, तो हमें तो इसके ऊपर पूरा अपना उनको, और मैं बिलीव करता हूं कि हम कन्विंस कर सकते थे अमेरिकन को, हम कन्विंस कर सकते थे कि हमें सस्ता तेल आने दो। फाइनली मैं ये समझता हूं कि जो चैलेंजेस बढ़े हैं पाकिस्तान में, लेकिन मैं ये भी बिलीव करता हूं कि अगर हम वो अब स्टेप्स उठाएं जो हमने अभी तक नहीं लिए पाकिस्तान में, हमने जो की है, मैं फिर से मेरी सारी जो जिंदगी की स्टडी है दुनिया में कि अमीर और गरीब मुल्कों में फर्क ही एक है, अमीर मुल्कों के अंदर रूल ऑफ लॉ है, गरीब मुल्कों के अंदर अनफॉर्चुनेटली सारे जितने भी गरीब मुल्क हैं वो उनके अंदर ताकतवर के लिए एक कानून है और कमजोर के लिए दूसरा है, और ये वाहिद वजह है कि वो गरीब रह जाते हैं। नाइजीरिया तेल के ऊपर बैठा हुआ है, गुर्बत है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के ऊपर नाइजीरिया 7% है। स्विट्जरलैंड विदाउट रिसोर्सेज खुशहाल तबका है, क्योंकि 99.9% रूल ऑफ लॉ है। सारी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज 90% से ज्यादा है, तकरीबन सारी मुसलमान दुनिया 20% से कम है, और पाकिस्तान 10% से कम है। तो जब तक ये जो असल इशू है, खुशहाली आती है रूल ऑफ लॉ के बाद, इंसाफ होता है तो खुशहाली आती है, ये जो कि दुनिया के एक्सपीरियंस में साबित हो गया। और मैं भी ये समझता हूं कि हमें अगर अल्लाह ने मौका दिया तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने स्ट्रेंथन करना है अपना इंसाफ का निजाम। थैंक यू।